डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार चंगेरिया है। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बांसवाड़ा में सिविल डिपार्टमेंट में मैं लेक्चरर हूं। आज हम टॉपिक ले रहे हैं फर्स्ट ईयर ऑल ब्रांचेज का विषय कोड 106 अप्लाइड मैकेनिक्स का चैप्टर फ्रिक्शन, घर्षण। तो आइए हम शुरू करते हैं। घर्षण क्या है? कोई वस्तु किसी सतह पर पड़ी है, कोई पिंड है या कोई ऑब्जेक्ट है, तो उनकी एक संपर्क सतह है। वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु फिसलने से रोकती है, उसके भीतर एक प्रतिरोध बल उत्पन्न होता है जो उसकी गति का विरोध करता है। उस फिसलने से रोकने वाला जो बल उत्पन्न हुआ, प्रतिरोध बल है, फिसलने से रोकता है, उसे घर्षण बल कहा जाता है। और इस गुणधर्म को, इन दोनों सतहों के गुणधर्म को, ये एक बात फिर से हमें याद रखनी चाहिए कि दोनों वस्तुओं के सतह का गुणधर्म है, प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को, इस गुण को घर्षण कहते हैं। पहला प्रकार है स्थितिक घर्षण। जैसे कोई वस्तु सतह पर पड़ी है, उस पर हम बल लगा रहे हैं, लेकिन बल के लगाने के बावजूद उनकी सतह पर कोई गति नहीं हो रही है, वो वस्तु फिसल नहीं रही है, उसका एक अंदर विरोध करने वाला बल उत्पन्न हो गया है, घर्षण बल उत्पन्न हो गया, तो वस्तु की स्थिति के कारण जो बल उत्पन्न हुआ है उस बल को स्थितिक घर्षण बल कहते हैं। दूसरा है चरम घर्षण बल, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, हम उसी घटना में जब हम और बल बढ़ा रहे हैं तो स्वतः वस्तु अभी फिसल नहीं रही है, गति नहीं कर रही है, चल नहीं रही है, तो बल को जैसे जैसे बढ़ाते हैं, बल का एक ऐसा मान आता है कि वस्तु चलती तो नहीं है, लेकिन हम ऐसा कहते हैं कि जस्ट चलने वाली है, चलने की अवस्था में आ जाती है। उस वक्त जो उस पर बल लगाया जा रहा है, उस वक्त जो उसमें घर्षण बल है, जो प्रतिरोध करने वाला बल है, जो आंतरिक घर्षण बल है, उस बल को चरम घर्षण बल कहते हैं। वो अधिकतम मान होता है, उसके बाद क्या होता है, वस्तु चलने लग जाती है। तो वस्तु जब चलने लग जाती है तो तीसरा घर्षण का प्रकार है गतिकीय घर्षण। वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु के अंदर एक प्रतिरोध उत्पन्न हुआ, लेकिन चरम घर्षण की सीमा के पश्चात वस्तु चलने लग गई, फिर भी उसमें एक घर्षण कुछ न कुछ मान बना रहता है, एक प्रतिरोध बल बना रहता है। वो बल उस गति के कारण जो घर्षण बल उत्पन्न हुआ है उसे गतिक घर्षण बल, काइनेमेटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। तो आगे हम देखते हैं, इनको चित्र से समझ लेते हैं। कोई एक सतह है जिस पर ये वस्तु पड़ी है, इसका कोई भार है, इस वस्तु का भार है W। तो इस सतह पर W वस्तु होने के कारण क्या होगा, इस पर एक प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी जिसको हम R कह रहे हैं। हम इस पर कोई बल लगा रहे हैं P, तो P बल लगाने से यह वस्तु चलती नहीं है, क्योंकि इस वस्तु की संपर्क सतह पर इस बल की विपरीत दिशा में एक बल उत्पन्न हो गया, जैसा हमने अभी आपको बताया है, इसको स्थितिक घर्षण कहते हैं। P के किसी मान के लिए स्थितिक घर्षण के भीतर यह वस्तु गति नहीं कर रही है, लेकिन इसमें घर्षण बल उत्पन्न हो गया, यह स्वतः उत्पन्न हो जाता है। इस वक्त इन दोनों बल, ये बल जो है बाह्य बल है और ये इनकी अभिलंब प्रतिक्रिया है, R को अभिलंब प्रतिक्रिया कहते हैं, F को घर्षण बल कहा जाता है। तो R तथा F का एक कोई परिणामी बल होगा, इन दोनों का परिणामी बल को हम कहते हैं S, रिजल्टेंट रिएक्शन। ये वर्टिकल रिएक्शन है, ये रिजल्टेंट रिएक्शन है। तो जैसे जैसे हम P का मान बढ़ाएंगे तो उससे R तो स्थिर है, W के बराबर है, लेकिन F का मान बढ़ता जाता है, तो S का मान धीरे धीरे इस तरफ बढ़ने लगता है, और चरम घर्षण बल की स्थिति में ये अभिलंब प्रतिक्रिया और घर्षण बल के परिणाम स्वरूप परिणामी प्रतिक्रिया S का कोण कुछ बढ़ जाता है, माना कि अब ये
यहां आ जाता है। इस वक्त इस घर्षण बल को चरम घर्षण बल कहते हैं। जब वस्तु चल तो नहीं रही है लेकिन चलने की अवस्था में आ जाती है, चरम घर्षण बल। अब चरम घर्षण बल के उपरांत भी पी का और हम बल का मान बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है, चरम घर्षण बल से भी अधिक पी बल लगने के कारण वस्तु गतिशील अवस्था में आ जाती है, वस्तु गति करने लगती है। गति की दिशा, संभावित दिशा ये है, तो इस दिशा में गति करने लगती है। उस वक्त जो घर्षण का मान है वो गति की घर्षण का मान हो जाती है। वस्तु चलने लग गई, चल रही है और उस वक्त भी एक घर्षण बना हुआ है, उस घर्षण को काइनेमेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। अभिलंब प्रतिक्रिया तथा परिणामी प्रतिक्रिया के बीच के कोण को लेमडा कोण कहते हैं। इस कोण का यदि हम टेंजेंट लें तो टेंजेंट कैसा होता है, ये कोण है तो इसके लिए ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो टेन क्या होता है, लंब बटा आधार। तो इस सूत्र में टेन लेमडा क्या हुआ, टेन लेमडा क्या हुआ, इस इसके हिसाब से लंब है आपका ये वाला एफ और आधार है ये वर्टिकल आर। एफ बटा आर मतलब घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को टेन लेमडा कहते हैं। इस टेन लेमडा को एक इंपॉर्टेंट गुणांक माना गया है इस चैप्टर के हिसाब से भी, जो कि घर्षण गुणांक है। म्यू बराबर टेन लेमडा, म्यू बराबर टेन लेमडा बराबर एफ अपॉन आर। तो इस तरह से एफ बराबर म्यू आर हमें एक सूत्र या संबंध मिला है, एफ बराबर म्यू आर। घर्षण के नियम, लॉज ऑफ फ्रिक्शन। जब कोई दो सतह संपर्क में आती है, किसी सतह पर कोई वस्तु रखी है उस पर बल लग रहा है, वस्तु में घर्षण उत्पन्न होता है। घर्षण की दिशा, वस्तु पर बल लगाए जाने पर इस वस्तु की जो गति की संभावित दिशा है, इस वक्त ये लेफ्ट से राइट में जाएगी, संभावित दिशा के विपरीत दिशा में घर्षण बल की दिशा होती है या घर्षण बल उस दिशा में कार्य करता है। घर्षण बल हमेशा इन संपर्क सतहों को छूते हुए इस सतह पर होगा और इस सतह के समांतर होगा। घर्षण बल सतह के समानांतर लगेगा और सतह के छूते हुए उस स्थान पर लगेगा, मतलब यहां पर नहीं लगेगा। चरम घर्षण बल वस्तु में बल लगाने पर सीमांत अवस्था में, जब वस्तु चलने वाली होती है उस वक्त बल का मान सीमांत घर्षण के बराबर है। घर्षण बल का मान सीमांत घर्षण बल के बराबर है, उसी वक्त इसको चरम घर्षण बल भी कहते हैं। वस्तु चलने की अवस्था में है, चलती नहीं है, चलने की अवस्था में आ जाती है ऐसा कहा जाएगा। तो वस्तु में ठीक चलने की अवस्था में लग रहा घर्षण बल सीमांत घर्षण बल या चरम घर्षण बल के बराबर होता है। इस बल से थोड़ा सा भी बल बढ़ा दिया जाए तो वस्तु चलने लग जाएगी, गति की अवस्था में आ जाएगी, तो वो है सीमांत घर्षण बल। सीमा पर है स्थितिक और गतिज की अवस्था में। चरम घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया का मान स्थिर होता है, हमने देखा पूर्व में। चरम घर्षण बल एफ तथा आर का मान स्थिर होता है जो कि म्यू के बराबर होता है। इस म्यू को घर्षण गुणांक कहते हैं। यह घर्षण गुणांक वस्तु की प्रकृति पर डिपेंड करता है, शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है, आर पर निर्भर करता है। आर पर निर्भर करने का मतलब यह है कि जब तक वस्तु का भार नहीं बदला जाए, अभिलंब प्रतिक्रिया नहीं बदला जाए, तब तक सीमांत घर्षण का मान नहीं बदलेगा, या ये कहें कि म्यू का मान नहीं बदलता है। घर्षण गुणांक वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है, कौन सी वस्तु इस पर निर्भर करता है, लेकिन उसकी शेप और साइज पर निर्भर नहीं करता। कि वस्तु की
गतिशील अवस्था में घर्षण गुणांक का मान वस्तु की स्थिर अवस्था में घर्षण गुणांक के मान से कम होता है, इस स्थिति में कम होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वस्तु की गति बढ़ाने से घर्षण गुणांक का मान कम हो जाएगा। प्रारंभ में ऐसा प्रतीत होता है कि घर्षण गुणांक का मान वस्तु की गतिशील अवस्था में कम हो गया है और बढ़ाने पर कम होता है, लेकिन यह बात सत्य नहीं है। शुरुआत में ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन इसको कभी भी जीरो नहीं किया जा सकता है, अर्थात यह गति पर और वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो क्या बताया हमने कि म्यू का मान गतिशील अवस्था में कम होता है और स्थितिक अवस्था में ज्यादा होता है, उन्हीं सतहों के लिए जब ये गति करने लग जाएगी, लेकिन उस वक्त म्यू का मान थोड़ा कम हो जाता है। नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिपोज, विश्रांति कोण या विश्राम कोण। कोई वस्तु तिरछे तल पर पड़ी है, नत तल पर, और उस तिरछे तल का कोण धीरे धीरे बढ़ाया जाए, तो धीरे धीरे बढ़ाने पर वस्तु विश्राम में रहेगी। थोड़ा और कोण बढ़ाएंगे तो कोण बढ़ाते बढ़ाते नती का कोण जो कि थीटा है, अभी यहां पर एक ऐसा कोण आएगा जब वस्तु अपने स्वयं के बाहर से ही गति करने लगेगी, गति करने की अवस्था में आ जाएगी, अर्थात लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। उस पर घर्षण बल सीमांत अवस्था में आ जाएगा। जब वस्तु स्वयं के बाहर से अपनी सीमांत अवस्था में आ जाती है, उस कोण को विश्रांति कोण कहते हैं। उस वक्त जो थीटा है वो घर्षण कोण के बराबर है, उस वक्त थीटा बराबर लैम्ब्डा, इंक्लाइन कोण है वो लैम्ब्डा घर्षण कोण के बराबर हो गया, और ये घर्षण कोण टेन लैम्ब्डा बराबर म्यू है। तो कोई भी वस्तु का जो उसका भार के कारण किसी कोण पर रहने का, कितने कोण पर वो रह सकता है, वो ही कोण उसका घर्षण कोण कहलाता है, और उस कोण का हम टेन ले लें तो वो घर्षण गुणांक कहलाता है, उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो स्टूडेंट्स एक न्यूमेरिकल लेते हैं हम, एक पिंड जिसका भार 10 न्यूटन है, एक वृक्ष क्षैतिज सतह पर रखा है, समतल सतह पर, पिंड को एक रस्सी से बांधकर 2 न्यूटन के बल क्षैतिज से 30 डिग्री पर लगाया जाता है, तो उसका फ्रिक्शन कोफिशियंट ज्ञात करना है, घर्षण गुणांक। इस प्रकार इस दिए गए न्यूमेरिकल में हल करने के लिए हम सबसे पहले फोर्स डायग्राम बनाते हैं। यह कोई एक समतल सतह है, उस पर यह एक पिंड रखा हुआ है, इस पिंड का भार W बराबर 10 न्यूटन वर्टिकल डाउनवर्ड लगेगा, और इसकी कोई प्रतिक्रिया होगी, ये प्रतिक्रिया हमेशा इस सतह के लंबवत होगी, इसीलिए इसको अभिलंब प्रतिक्रिया कहते हैं, जिसका वैल्यू है अभी R। समतल से 30 डिग्री पर, क्षैतिज से 30 डिग्री पर बल लगा रहे हैं, कौन सा बल लगा रहे हैं, 2 न्यूटन का, 2 न्यूटन का एक बल लगाया जा रहा है, तो और उस वस्तु को खींचा जा रहा है, तो जब इस वस्तु को खींचा जा रहा है तो इस वस्तु की गति की संभावित दिशा कौन सी है, ये गति की संभावित दिशा है, तो घर्षण बल कहां लगेगा, घर्षण बल इस तरफ लगेगा, एफ बराबर म्यू आर। अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये कोण 30 डिग्री है, हमें इन सभी बलों को एक्स दिशा में और वाई दिशा में हमें विघटन करना है, और उसके लिए हम स्थितिकी की सामान्य शर्तें सिग्मा एक्स बराबर 0 और सिग्मा एच बराबर 0 लगाकर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका कंपोनेंट, इसका घटक यहां क्या आ जाएगा, 2 cos 30, और इसका घटक यहां पर कितना आ जाएगा, 2 sin 30। अब हम इनकी साम्यावस्था के अनुसार इन पर समीकरण लगा देते हैं, तो वो समीकरण है यहां पर देखते हैं, सिग्मा वी बराबर 0, वर्टिकल में क्या होगा, 10 नीचे की ओर बराबर 2 sin 30, साइन 30 का मान 1/2 है, प्लस आर, तो आर कितना आ गया इससे, बराबर 9, आर का मान आ गया है 9। दूसरी समीकरण सिग्मा एच बराबर 0, क्षैतिज बलों का विघटन करने पर,
म्यू आर बराबर 2 कोस थीटा। म्यू आर इस दिशा में लग रहा है, ये म्यू आर है यहां घर्षण बल, बराबर 2 कोस थीटा। इस 2 का ये कंपोनेंट है 2 कोस थीटा। म्यू आर बराबर 2 कोस थीटा, म्यू आर बराबर 2 कोस थीटा। ये 2 कोस थीटा इस 2 का कंपोनेंट है, तो म्यू आर बराबर 2 कोस थीटा। आर का वैल्यू रख दिया, म्यू का मान निकाला, तो म्यू बराबर 1/3√3 ये मान आ गया। म्यू का मान हमेशा 0 से 1 के मध्य होता है, क्योंकि ये एक गुणांक है, घर्षण गुणांक। इस तरह से हम और भी सेकंड वीडियो में इसका पार्ट 2 कुछ और न्यूमेरिकल लेंगे, और कुछ बचे हुए टॉपिक है घर्षण के अनुप्रयोग, वेज पच्चर, स्क्रू जैक, पेच का सिद्धांत और स्क्रू जैक और उससे संबंधित प्रश्न हम लेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और भी वीडियो देखते रहें, आने वाले समय में और वीडियो अपलोड होंगे। आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट में लिखें, हम आने वाले समय में वस्तुनिष्ठ प्रश्न MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न के भी हम यहाँ पर हल डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार चंगेरिया, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बांसवाड़ा से, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद। जय हिंद।